छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ ब्लॉक में उपचुनाव प्रारंभ हो गया, जहां क्षेत्र में 8 पंच और 3 परपंचों के लिए मतदान होना था, लेकिन 6 पंच निर्विरोध जीत चुके हैं, जिसके बाद अब 2 पंच और 3 सरपंचों के लिए मतदान किया जा रहा है, जहां कोरोना गाइडलाइन का बखूबी से पालन किया जा रहा है। वहीं मतदाता उत्साहपूर्वक अपने बारी का भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के कुआकोंडा पंचायत में रिक्त सरपंच पद का चुनाव हो रहा है, जहां लोगों में उत्साह दिख रहा है और मतदान केंद्र पर अच्छी खासी भीड़ है। और यहां लगभग 109 मतदाता यहां पर अंकित है, जिसमें आज अभी तक समाप्ति की ओर है मतदान। 100 लोगों ने अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी हुई और इस प्रकार से एक ही पंचायत, जनपद पंचायत के अंतर्गत मधुता ग्राम पंचायत में भी मतदान करवाया गया है, वो भी यहाँ भी पंच के लिए ही चुनाव किया गया है। और सभी मतदान दल और जितने भी यहाँ पर सहयोग में लगे हैं कर्मचारी, सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत मधुता वन में वोटिंग था, जो उसमें मैं वार्ड पंच में खड़ी हूँ। जो वोट था अच्छी तरह से गया, और जो भी है वो अभी गिनती में नहीं हुआ है। यहाँ पर कुल 6 पंचायतों में चुनाव हो रहा है, जिसमें से 30 पंच और 3 सरपंच के हैं। यहाँ पर सभी 6 जगह में है ना अलग अलग टीम बनाकर बाकायदा व्यवस्था देखा जा रहा है। यहाँ बाकायदा पुलिस, मतलब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है यहाँ पर। और मतदान केंद्र, प्रत्येक मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जिनको बूस्टर डोज लगा नहीं है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और मतदान केंद्रों के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा गोले में मतदाताओं को खड़े करके वोटिंग कराया जा रहा है।